गाइस, तो आपने पिछली वीडियो में देखा था कैसे फ्रैंकलिन अपने भाई से मिलकर रहा है फ्रैंकलिन से, और उसके बाद ये उसका मैनेजर आ जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग आपस में बातें करके निकलते हैं फ्रैंकलिन की मेंशन की तरह, और जैसे ही फ्रैंकलिन की मेंशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे फ्रैंकलिन की मेंशन बहुत बड़ी होती है। फिर ये चीज है कि फिर फ्रैंकलिन और सिंचैन को कुछ बताता है, सिंचैन को वो बातें बताता है जो बहुत खास होती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक माफिया अपनी टीम के साथ आ जाता है, और सिंचैन देख के परेशान हो जाता है, और थोड़ी ही देर में फ्रैंकलिन सिंचैन को साइड में करके इनको फायर करके मार देता है, और साथ में बिग माफिया को भी मार देता है थोड़ी देर बाद। लेकिन इसी बीच में फ्रैंकलिन शॉट हो जाता है। अब देखिए आगे, सिंचैन ये फ्रैंकलिन माइकल के पास जा रहा है, माइकल के सिक्योरिटी गार्ड भी काफी मर गए हैं। ओ भाई साहब, सिंचैन हमने यहाँ पे तो इसका काफी गैंग उड़ा दिया है। ओ भाई साहब, सिंचैन इनके पास गाड़िया तो दे भाई जी, कहीं माइकल को ना मार दे। ओ भाई साहब, सिंचैन ही माइकल के पास है। एक मिनट, ये ले ये ले ये ले। ओ भाई साहब, एक मिनट, ये ले। ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन भैया अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रैंकलिन तो भाग गया है। अरे यार सिंचैन, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार, वरना तो बिग माफिया को भी हमने मार दिया है। फ्रैंकलिन भैया, अब फ्रैंकलिन के साथ तो और भी सपोर्ट होगी और लोगों की। अबे हाँ यार, सिंचैन फ्रैंकलिन के साथ और लोगों की भी सपोर्ट होगी। मुझे लग रहा है बिग माफिया के और भी साथी फ्रैंकलिन के साथ लिंक में हैं। फ्रैंकलिन भैया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। सिंचैन क्या बात? अबे यार फ्रैंकलिन भैया, वो मुझे ही क्यों लेने चाहता है? अबे यार सिंचैन, मुझे लग रहा है कि उसको सिर्फ ऑर्डर मिला हुआ है तुम्हें मारने का, बाकी अंदर की रिपोर्ट उसको नहीं पता। फ्रैंकलिन भैया, अभी हम लोग उसको कहाँ ढूंढेंगे? अबे यार सिंचैन, कहीं ना कहीं तो ढूंढना पड़ेगा ना यार उसको। फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं माफिया बेस पे ना चला गया हो। अबे यार सिंचैन, जो भी हो अब हमें उसको किसी ना किसी तरह ढूंढना पड़ेगा। अबे यार फ्रैंकलिन भैया, ये तो नई चीज आ गई ये यार, अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ यार सिंचैन, अभी देखते हैं ना यार चल के। फ्रैंकलिन भैया, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अबे यार सिंचैन, जाते हैं यार कहीं देखते हैं। फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो एक चीज समझ आ रही है कि माइकल दादा के पास चले। अबे हाँ यार सिंचैन, ये तूने अच्छा बताया, माइकल के पास चलते हैं, वही कोई सोल्यूशन निकालेगा। हाँ फ्रैंकलिन भैया, माइकल दादा ही कोई सोल्यूशन निकालेगा, जैसे माइकल के ही प्लान बहुत कामयाब होते हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया, माइकल। फ्रैंकलिन भैया वैसे एक बात बताएं, माइकल फ्रैंकलिन के बारे में कुछ जानता है? हाँ यार सिंचैन, सिर्फ माइकल को ही पता है और ट्रैवल को, बाकी किसी को मेरे डुप्लीकेट भाई का नहीं पता था। फ्रैंकलिन भैया, आपने मुझे भी नहीं बताया था। अबे यार सिंचैन, मुझे तुम्हें बताना था वक्त सही वक्त आने पे। सही है फ्रैंकलिन भैया, कोई मसला नहीं है, अभी हम लोग माइकल दादा के पास पहुंच के फिर रिपोर्ट लेते हैं। फ्रैंकलिन भैया, माइकल दादा का घर आने ही वाला है। हाँ यार सिंचैन, उसके पास जाना पड़ेगा, वही सारी सोल्यूशन निकालेगा यार। फ्रैंकलिन भैया, ट्रेवर भैया। अबे यार ट्रेवर तो अपने गाँव गया हुआ है। ओ भाई साहब, जिमी क्या हाल है? फ्रैंकलिन भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबे रोड के बीच में क्या चल रहा है? कोई गाड़ी आएगी, एक गाड़ी के चली जाएगी। आ रहा हूँ अंदर फ्रैंकलिन भैया। ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन भैया ये क्या इतनी सिक्योरिटी रख दी है इसने तो माइकल ने? अबे यार सिंचैन, इसके भी भाई बड़े मसाइल चल रहे हैं, इसके भी काफी गैंग वॉर के बंदों से पलटे चल रहे हैं। अबे आ जाए यार, एक मिनट। अभी आप अंदर नहीं आ सकते फ्रैंकलिन। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं अंदर जा सकता? माइकल दादा किसी से मीटिंग कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में खुद ही बाहर आएंगे। चल यार सिंचैन चल, कोई मसले की बात नहीं है, माइकल का वेट इधर ही करते हैं यार। ये फ्रैंकलिन भैया। फ्रैंकलिन, अबे यार माइकल दादा फाइनली तुम आ गए, खैरियत तो है? बड़ी मीटिंगे कर रहे हो और इतनी सिक्योरिटी क्यों टाइट की हुई है? अबे यार तुम्हें क्या बताऊं फ्रैंकलिन, ये बिग माफिया का जो भाई है ना, बिग माफिया का जो भाई है छोटा, उसने धूम मचाई हुई है। अबे यार माइकल, तुझे एक बात बताऊं, मैंने बिग माफिया को मार दिया था। अबे तूने कैसे मार दिया बिग माफिया को? अबे भाई दरअसल तुझे पता है, फ्रैंकलिन को तो तू जानते ही है ना। हाँ वो जो तेरा भाई है ना। हाँ यार माइकल, माइकल फ्रैंकलिन ने गद्दारी की हमारे साथ। अबे क्यों यार, फ्रैंकलिन ऐसा नहीं कर सकता। अबे यार माइकल, मैं भी यही समझता था यार, फ्रैंकलिन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने कर दिया है। अबे यार कैसे हो सकता है कि वो फ्रैंकलिन ऐसी हरकत करे? उसने वैसे ऐसा क्यों किया? अबे यार माइकल, उसको सिंचैन चाहिए। अबे यार फ्रैंकलिन इस बच्चे का क्या करेगा? वही तो सोचने की बात थी, लेकिन मुझे आपका पक्का हो गया है कि मुझे लग रहा है कि घोस्ट कम्युनिटी के लिंक अब बिग माफिया के पास है, बिग माफिया से हैं। और दूसरा ये कि ये लोग सिंचैन को मारना चाहते हैं, इसलिए एवेंजर्स वगैरह इसको फुल पावरफुल करना चाहते हैं। अबे तो तूने अब क्या किया गया? मैंने बिग माफिया और उसके बंदों को मार दिया था, वो लोग फ्रैंकलिन की मेंशन में ही थे, मैं और सिंचैन भी उधर ही थे। वहाँ पे मैंने उन लोग को मार के सिंचैन के साथ भागा हूँ अपनी जान बचा के, और उसका मैनेजर भी भाग गया, वो हमारा हाथ लग गया था। अबे यार तो क्या करोगे? हमें तुम्हारी मदद चाहिए माइकल, उसकी लोकेशन ढूंढने में। अभी तो तुमने क्या सोचा है कि उसको मार दोगे? हाँ माइकल दादा, उसको मारना ही पड़ेगा, वरना वो आज हम पे मारेगा, कल को तुम्हें ड्राइवर को भी मारने का प्रोग्राम करेगा। हाँ मुझ पे उस पे कोई भरोसा नहीं रहा। ऐसी बात है क्या? क्या हुआ अजय, तुम इतनी भाग के क्यों आ रहे हो? माइकल दादा, यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ पे एक पूरी गैंग खड़ा हुआ है। किस जगह पे? ये बिल्कुल हमारे घर के पास। अच्छा ऐसी बात है क्या अजय, और क्या क्या है उनके पास? माइकल दादा, उनके पास तो बहुत स्पोर्ट्स कार है, और फुल उसमें से
एक बंदे के पास तो फुल मशीन गन है, हैवी मशीन गन है, आरपीजी वगैरह सब है। माइकल मैंने तो ये बोला था ना, ये ट्रैंकलिन ही है, ट्रैंकलिन ही इतनी रिसोर्सेज के साथ आ सकता है। ट्रैंकलिन भैया अब हम क्या करें? सिंचैन तो फिकर नहीं कर, अभी हम लोग माइकल है ना हमारे पास। ट्रैंकलिन भैया कहीं हम पे हमला ना कर दे। अबे सिंचैन अभी इतनी सिक्योरिटी में भी तेरी तू डर रहा है। गाइस जरा देखते हैं, जरा व्यू देखते हैं, क्या माइकल लदा का गैंग आ गया क्या? एक मिनट गाइस, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड गाइस, ये देखें ट्रैंकलिन फुल मशीन गन लेके खड़ा हुआ है। ओ भाई साहब, फुल इसका गैंग तैयार है गाइस, ये देख रहे हैं गाड़ियां, फुल स्पोर्ट्स कार लेकर आया हुआ है। ओ माय गॉड गाइस, ये देखें, ओ भाई साहब आरपीजी भी बंदा पकड़ा हुआ है गाइस, ये देख रहे हैं ट्रैंकलिन, ओ माय गॉड, फुल ट्रैंकलिन को मारने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। ओ भाई साहब गाइस, ये देखें, ओ माय गॉड गाइस, माइकल दादा का फट, माइकल दादा और ट्रैंकलिन के ग्रुप के खिलाफ वो हो गया है। ओ भाई साहब गाइस, ये देखें ट्रैंकलिन खड़ा हुआ है। ओ भाई साहब फुल मशीन गन लेके, सिंचैन तू निकल साइड में हो। ओ भाई साहब गाइस, ये तो ट्रैंकलिन के पास मशीन गन है, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। सिंचैन ट्रैंकलिन को खुद हो नहीं रहा है, तू एक काम कर, तू भी शार्ट हो जा। ट्रैंकलिन भैया मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। ओ भाई साहब सिंचैन, हमें जल्दी से माइकल दादा के घर में घुसना चाहिए। हाँ ट्रैंकलिन भैया आप सही कह रहे हैं। ओ भाई साहब गाइस, यहाँ पे तो भाई फुल माइकल दादा के बंदे भी मरे हुए हैं। ओ भाई साहब गाइस, यहाँ पे तो माइकल अकेला खड़ा हुआ है, काफी बंदे मार दिए उनके गैंग ने गाइस, ये देखें काफी बंदे मार दिए हैं उनके गैंग मेंबर्स ने। ओ भाई साहब गाइस, ये भी भाग रहा है। ओ माय गॉड ट्रैंकलिन भैया, अब हम क्या करेंगे? अबे यार सिंचैन, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रैंकलिन भैया आप भी अब अपनी मशीन गन निकाल लें। हाँ यार सिंचैन तू सही कह रहा है, अब बहुत टाइम पानी सर से ऊपर गुजर गया है। एक मिनट, ये ले ये ले ये ले। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड गाइस, ये देख रहे हैं आप। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ट्रैंकलिन भैया आपको इसकी, ओ भाई साहब एक मिनट, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड गाइस, ये देख रहे हैं। ओ भाई साहब काफी बंदे मर गए। सिंचैन हमने यहाँ पे तो इसका काफी गैंग उड़ा दिया है। ओ भाई साहब सिंचैन इनके पास गाड़ियां तो दे सिंचैन, लेकिन वो देख ट्रैंकलिन खड़ा हुआ है। ओ भाई साहब सिंचैन, ये ट्रैंकलिन माइकल के पास जा रहा है और माइकल के सिक्योरिटी गार्ड भी काफी मर गए हैं। ओ भाई साहब सिंचैन, ये देख इसका मशीन गन है, तो पुलिस वालों से उलझ गया है। ओ भाई साहब हमें ख्याल से देखना पड़ेगा गाइस, ये देखें। ओ माय गॉड गाइस, ये तो ट्रैंकलिन फुल पागल हुआ है। ओ माय गॉड गाइस, ये कहीं माइकल दादा को ना मार दे, अंदर ही आ रहा है ट्रैंकलिन भैया देख के। एक मिनट सिंचैन, बहुत सावधानी से अंदर जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड गाइस, ये कहीं माइकल को ना मार दे। ओ भाई साहब सिंचैन ये माइकल के पास है। एक मिनट, ये ले ये ले ये ले। ओ भाई साहब सिंचैन, इसको कुछ हो ही नहीं रहा ट्रैंकलिन को। एक मिनट सिंचैन, हमें कुछ भी करके माइकल को बचाना पड़ेगा। ट्रैंकलिन भैया हाँ आप सही कह रहे हैं। ओ भाई साहब ये ले ये ले। ओ भाई साहब इसको इंगेज करो। अबे माइकल तू भागने की कर। ट्रैंकलिन तू फिकर नहीं कर, मैं तुझे छोड़ के ऐसे नहीं भागूंगा। अबे जिम्मी तेरा भी केक कट जाएगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब ये क्या, ये तो, ओ भाई साहब ये तो फुल मुंह पे आ गया है। ओ माय गॉड गाइस, ओ भाई साहब गाइस, ओ माय गॉड गाइस, ये तो माइकल दादा के पास ही आ गया। एक मिनट ये ले। ओ भाई साहब, ओ गाइस इसने माइकल को फायर मार दिए है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, ये देखें। ओ भाई साहब गाइस, ये देखें ये ट्रैंकलिन ने क्या किया। ओ भाई साहब गाइस, इसने माइकल को मार दिया है। ओ भाई साहब गाइस इसके पास, ओ भाई साहब गाइस, और सिंचैन का भी कुछ पता नहीं, सिंचैन भी पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे वो कवर लेना पड़ेगा। ओ भाई साहब गाइस ये देखें, ओ माय गाइस ये देखें, ओ भाई साहब गाइस इसने माइकल दादा को मार दिया है। ओ माय गॉड गाइस, मुझे जल्द से जल्द माइकल दादा को बचाना पड़ेगा, फॉरन से एम्बुलेंस मंगवानी पड़ेगी। एक मिनट मुझे कुछ ना कुछ तो उसका करना पड़ेगा। एक मिनट ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। ओ भाई साहब गाइस इसको कुछ होके नहीं दे रहा। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब गाइस इसको तो कुछ होके नहीं दे रहा गाइस। अब सिंचैन भी पता नहीं कहाँ है और ये माइकल दादा सामने पड़ा हुआ है, मुझे जल्द से जल्द इसको बचाना पड़ेगा। इसकी सांस अभी भी चल रही होंगी मुझे लग रहा है। गाइस ये देखें, पुलिस ने एंगेज किया हुआ है। गाइस ये देख रहे हैं आप, ट्रैंकलिन को तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसने पता नहीं क्या खाया हुआ है। गाइस प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए। कमेंट में अगर आपको नेक्स्ट पार्ट आगे की स्टोरी चाहिए तो प्लीज जरूर लिखिएगा, आगे की स्टोरी बहुत ही खास होने वाली है। ओ भाई साहब गाइस, इसमें मुझे तो लगता है इसने माइकल दादा को मार दिया। ओ माय God. Thanks for watching.